उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को गुरु पर्व के अवसर पर रायपुर रोड देहरादून स्थित नानकसर सत्संग सभा गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका और कीर्तन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने उत्तरकाशी के सिलखियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने के लिए भी प्रार्थना की। राज्यपाल ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव के ज्ञान का प्रकाश आज भी पूरी मानवता को प्रकाशित कर रहा है। गुरु नानक देव ने मानवता, वैश्विक बंधुत्व, एकता और सेवा का संदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है। राज्यपाल ने कहा, गुरु नानक देव ने अपने मूल मंत्र में सबका भला और सब कुछ तेरा को जो संदेश दिया है वह सबसे बड़ा संदेश है। राज्यपाल ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को लेकर कहा कि सभी एजेंसियों की ओर से बहुत सुनियोजित तरीके से निरंतर प्रयास किए जा रहे। एजेंसी अनेक विकल्पों पर भी प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस समय की सर्वोच्च प्राथमिकता सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने की है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी श्रमिक जल्दी ही कुशलतापूर्वक बाहर निकल जाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल की धर्मपत्नी गुरमीत कौर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व है, उनका प्रकाश पर्व है। आज जो गुरु नानक देव जी ने हमको सबको मानवता की, एकता की और सेवा का जो हमें पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है, जो उन्होंने मूल मंत्र के अंदर में हमको वरदान दिया है पूरे ब्रह्मांड को समझने का, सर्वदा पला और सब कुछ तेरा का जो संदेश दिया है वो तो सबसे बड़ा संदेश है कि किस प्रकार पूरी मानवता एकता के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखकर सेवा कर सकती है। ये बहुत बड़ा वाहेगुरु का उपदेश है। आज के दिन में मैं पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हमने पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर वाहेगुरु से, गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की, अरदास की, विनती की कि हमारे परिवार के जो 41 सदस्य हैं श्रमिक जो सिलियारा टनल के अंदर में है, हर संभव कोशिश की गई है, बहुत ही सुनिश्चित ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश की गई है, हर एक विकल्प के ऊपर में कार्य भी किया गया है। वाहेगुरु की मेहर भरा हाथ चाहिए। सच कहूं तो इस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी, प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यही है हम पूरे परिवार के लिए कि किस क्षण, किस वक्त वो बाहर कुशलतापूर्वक आए। बहुत वाहेगुरु का हाथ है, भगवान का, शिव जी का हाथ है कि वो सब कुशल पूर्वक है और हर एक विकल्प के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। और आज सच्चे मन से सबने, पूरे परिवार ने इस शुभ घड़ी पे अरदास की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाहेगुरु मेहर भरा हाथ रखेंगे और वो शीघ्र ही बाहर 41 के 41 ठीक कुशलतापूर्वक